दोस्तों अगर मैं एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम करूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन दोस्तों अब एंड्रॉइड 11 का ही सक्सेसर एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च होने वाला है क्योंकि काफी जल्दी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड 12 में क्या क्या फीचर्स आएंगे और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो दोस्तों मेरा मुझे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेड पर। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं एंड्रॉइड 12 के विजुअल इफेक्ट्स और कलर कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो दोस्तों अभी तक के किसी भी एंड्रॉइड सिस्टम से काफी बेटर कलर कोऑर्डिनेशन हमें एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के हिसाब से कलर कोऑर्डिनेशन होगा, यानी जो भी आपके होम स्क्रीन का बैकग्राउंड होगा वैसा ही बाकी एप्स और बाकी सब चीज़ों का कलर कोऑर्डिनेशन अपने हिसाब से हो जाएगा, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर लगा एंड्रॉइड 12 के अंदर। और इसमें एंड्रॉइड 11 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थीम्स और कलर कोऑर्डिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि स्मार्टफोन की लुकिंग को और ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। दोस्तों एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइवेसी भी काफ़ी इन्हांस होने वाली है और यूज़र के लिए प्राइवेसी सेटिंग करना बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ईजी हो जाएगा, जिसको कोई भी यूजर काफी आसानी से हैंडल कर सकता है और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने डिवाइस को सिक्योर भी कर पाएगा। दोस्तों क्विक पैनल भी अपडेट होगी और कुछ अलग ही तरीके से अपडेट होगी। वहां पर आप लोगों को सर्कुलर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिखाई देंगे जिसमें वेदर, न्यूज एंड नोटिफिकेशन जैसी जो भी आप लोग न्यूज सेट करोगे वो सब दिखाई देगी, जो कि आप लोगों को किसी भी स्मार्टफोन की न्यूज तक पहुंचने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। और नोटिफिकेशन सेटिंग में भी चेंजेस होने वाला है जिसमें आप लोगों को जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको उस नोटिफिकेशन से उस ऐप में यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी आप नोटिफिकेशन से ही उस ऐप के बहुत से चीजों को हैंडल कर सकेंगे, जो कि काफी बेटर फीचर है। दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वाईफाई शेयरिंग भी बहुत इजी होने वाली है क्योंकि जैसा कि एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोगों को वाईफाई शेयरिंग के लिए क्यूआर कोड को अलग से जनरेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें आप लोगों को वाईफाई शेयरिंग के ऑप्शन में ही क्यूआर कोड मिलेगा, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा डायरेक्ट वाईफाई शेयरिंग करने के लिए। दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फीचर आने वाला है जिसका नाम है जो कि उन एप्स के लिए जिनको आप ज्यादा यूज नहीं करते और अनइंस्टॉल भी नहीं करा रहे। तो ये फीचर उन एप्स की जो वो स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहे हैं या जो भी उनके बग्स होंगे उनको फ्री करके बिना उन्हें इंस्टॉल करे उसी स्मार्टफोन में रहने देगा और वो एप्स कोई भी स्टोरेज को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। जैसी न्यूज आई थी कि इसमें कुछ नए विजिट भी एड होने वाले हैं जो कि स्मार्टफोन के फीचर्स को हैंडल करने में काफी हेल्प करेंगे किसी भी यूजर को। दोस्तों इसके कुछ र्यूमर्ड फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें एक न्यूज आती है जिसमें ये दिखाया गया था कि इसमें स्लाइड स्क्रीनशॉट सिस्टम भी आएगा और इसमें हो सकता है कि आप लोगों को JPEG पिक्चर क्वालिटी की जगह AVIF पिक्चर क्वालिटी मिल सके, क्योंकि इमेज क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इनहांस कर देगी। दोस्तों जब भी एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ आएगा। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पर।